मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो RRR हैंगिंग सीन। तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल लिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। Officers, I want no hiccups on this mission. Yes, sir. Quite the spectacle. I appreciate your effort, my boy. Thank you, sir. Thank you, sir. देनी पड़ेगी बेटा, जिस तरीके से उसने दूर से ही you
नहीं चाहिए, 10 दोस्त नहीं चाहिए, एक ऐसा दोस्त जो लाइक जान दे रहे, लाइक उसको पता है कि इसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर दिया, शायद इस वजह से ये मेरा चेहरा फिर एक बार कभी जिंदगी में देखे भी नहीं, मेरे बारे में सोचे भी नहीं एंड एवरीथिंग, बट स्टिल वो उसके लिए एंड तक लड़ते रहा एंड एंड तक वो मल्ली को अन्ना तक पहुंचाते रहा। ओ माई गॉड क्या सीन था। सबसे पहले वो अंग्रेज जो बोलेंगे ना वो तो सही में स्मार्ट था, कुछ भी बोलो उसने वो हाथ को लगा उससे वो समझ गया, पेड़ पे ध्यान था, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान था कि अब ये क्या करेगा, शायद इसका कुछ अलग, कुछ तो अलग सीन है, कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो है अलग से करके। ओ माय गॉड। और सबसे पहले गन्स में से गोली निकाल के रखना, ये चीजें शायद भीम ने ज्यादा सोचा नहीं कि गन्स में तो गोलियां थे नहीं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये उसने शायद उतना दिमाग लगा के सोचा नहीं शायद, वरना वो सोचता नहीं नहीं ये इसी ने किया होगा एंड ऑल दिस थिंग, बट वो गोली वाला वो जो था वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाले थे, लाइक दिखते टाइम ऐसे दिखेगा कि ये मल्ली को मारने वाला है बट एक्चुअली उसने वहां पे मारा। ओ माई गॉड सीरियसली। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला कि रामचरण बहुत हैंडसम लग रहे बिकॉज उनको अपने ठाट बाट में एक अलग लुक में दिखाया है, और ऑन दी अदर साइड जूनियर एनटीआर जो है वो सिंपल से दिखाया है इस पूरे मूवी में और इस पूरे सीन में भी बोल सकते हैं हम, बट जूनियर एनटीआर के इमोशंस भी ऐसे बाहर निकल गए थे, लाइक ऐसे सीरियसली लगता है कि ऐसी दोस्ती ऐसा प्यार होना चाहिए, रामचरण की दोस्ती देखे आ रहा है सच्ची में दिल भर आया बोलते उस टाइप का था। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो RRR हैंगिंग सीन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आ ले।